कबीर गाफिल क्या करे, आया काल नजीक, कान पकड़ के ले चला जीव अजियाही खटीक। ए जीवो, असावधान होकर क्या करते हो, मृत्यु तो नित्य तुम्हारे निकट आ रही है। एक दिन वह तुम्हें उसी प्रकार ले जाएगी जैसे बिदक बकरी का कान पकड़ कर ले जाता है और मार डालता है। कबीर पानी हौज का देखत गया बिलाए, ऐसे ही जीव जाएगा काल जो पहुंचा आए। हौज का पानी मोरी के मार्ग से देखते देखते समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार शरीर रूपी हौज से श्वास रूपी पानी नाक रूपी मोरी से क्रमशः निकलते निकलते एक दिन संपूर्ण समाप्त हो जाता है और जीव शरीर त्याग कर चल बसता है। मरेंगे मरी जाएंगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे छोड़ी बसंता गांव। वर्तमान के सभी लोग मरेंगे और निश्चय ही मर जाएंगे, फिर कुछ दिन में उनका कोई नाम भी नहीं लेगा। बसा हुआ ग्राम छोड़कर जंगल में बस्ती बसाएंगे, रतन त्याग कर पशु आदि खानी में जाएंगे। ढोल दमादा दुर्बरी शहनाई संग भेरी, अवसर चले बजाए के है कोई राखे फेरी। अपने शासन काल में ढोल नगाड़ा ताश शहनाई तथा भेरी भले बजवा लो, अंत में यहाँ से अवश्य चलना पड़ेगा। क्या कोई घुमा कर रखने वाला है, एक दिन ऐसा होएगा सबको परे बिछोए। राजा राणा राव रंग सावत क्यों नहीं होए, एक दिन ऐसा आएगा कि राजा रावण धनी गरीब सबसे बिछुड़न हो जाएगा, फिर सावधान क्यों नहीं होता। उजड़ खेड़े टेकरी घड़ी घड़ी गए कुम्हार, रावण जैसा चली गया लंका का सरदार। जंगल की भूमि को जोतने वाला किसान और ऊंची भूमि को खोद खोद नीची करने वाले कुम्हार को कौन कहे। रावण जैसा शूरवीर विद्वान लंकाधीश भी चला गया। आजकल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। आजकल के बीच में यह शरीर जंगल में जला या गाड़ दिया जाएगा, फिर इसके ऊपर ऊपर हल चलेंगे और पशु घास चरेंगे। हाड़ जरे जिस लाकड़ी केस जरे जीव घास, सब जग जरता देखी करी वह कबीर उदास। शरीर को जलाने पर हड्डी लकड़ी के सदृश तथा केश घास के समान जल जाएंगे। जगत के सारे लोगों को जलते हुए देखकर संसार से मुमुक्षु उपराम हो जाता है। पानी केरा बुदबुदा इस मानुष की जात, सब जग जरता देखी करी वह कबीर उदास। जल के बुदबुदे बत इस मनुष्य की जाति है, देखते देखते यह छिप जाएगा जैसे प्रातःकाल होते ही तारे छिप जाते हैं। रात गवाई सोए कर दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। रात को सोने में दिन को खाने में समाप्त कर दिया, अनमोल हीरावत नर जन्म था परंतु विषय रूपी कौड़ी के बदले में जा रहा है। कई खाना के सोबना और न कोई चीत, सतगुरु शब्द विसार या आदि अंत का मीत। या तो खाना या तो सोना, बस और किसी बात पर ध्यान नहीं। सतगुरु के ज्ञानोपदेश जो आदि से अंत तक के मित्र हैं उनको भूल गया। आगे दिन पाछे गए गुरु सो किया न हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन पीछे चले गए बीत गए, परंतु इस अभागे मनुष्य ने सदगुरु से प्रेम नहीं किया। अब मरने के समय पछताने से क्या होता है, जब कमादी चिड़ियों ने नर जन्म खेत को नष्ट कर दिया है। आज कहे मैं क्या भजू, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही औसर जासी चाल। आज कहता है कि मैं कल भजन करूंगा, कल आने पर पुनः कल के लिए कहता। इसी प्रकार आज कल करते करते कल्याण साधना करने योग समय चला जाता है। काल करे सो आज कर सभी साज तुम साथ, काल काल तू क्या करे काल काल के हाथ। जो शुभ कार्य कल करना है उसे आज ही करो, क्योंकि कल्याण साधन की समस्त सामग्री तुम्हारे साथ में है। कल करूंगा तू क्या करता है, कल तो काल के हाथ में है, क्या पता कल क्या हो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगा कब। कल्याण साधन के कार्य जो कल करने हैं उसे आज कर लो, जो आज करना है उसे अभी कर लो, पल ही में तो परले हो जाएगा, फिर कब करोगे। पाव पलक की सुधि नहीं करे काल का साज, काल अचानक मार सी ज्यों तीतर को बाज।
पल के चतुर्थार्श का तो पता नहीं है और तू कल के लिए साज सजता है। इस धोखे में काल तुम्हें उसी प्रकार अचानक दबोच खाएगा जैसे तीतर पक्षी को बाज मार देता है। पांव पलक तो दूर है, मुँह पे कहाँ न जाए, ना जानो क्या होएगा पांव के चौथे भाई। हे भाई, पल की चौथाई की बात तो दूर है, मुझसे तो यहाँ तक नहीं कहा जाता कि पल के चतुर्थांश के चतुर्थांश में क्या होगा। ऊंचा देश से थोहरा मारी चीती पोल, एक गुरु के नाम बिन जब मारेंगे रोज। ऊंची अटारी दिखती है, रंग से लिपी और चित्रों से चित्रित है, परंतु निस्सार है, गुरु के ज्ञान बिना काल दौड़ कर खा जाएगा। ऊंचा मंदिर मेड़िया चना कली डुलाए, एक ही गुरु के नाम बिन यदि तदी पर ले जाए। चूने पत्थर सीमेंट आदि के बेल बूटे ढलवा कर ऊंचा मंदिर उठवाया, एक गुरु ज्ञान बिना तुम्हारा कल्याण तो होगा नहीं, और मंदिर आदि मायावी पदार्थ तो कभी ना कभी नष्ट होंगे ही। ऊंचा महल चुनाइया सुगरन कली ढुलाए, बे मंदिर खाली पड़े रहे मसाना जाए। स्वर्ग में बेल बूटे ढलवा कर ऊंचा मंदिर चुनवाया, बे मंदिर भी एक दिन खाली पड़ गए और मंदिर बनवाने वाले शमशान में जा बसे। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। सारे गामा पा धनी हारमोनियम के सातों स्वर जहाँ बजते थे, कोठरी कोठरी में राग राग रागनियाँ होती थी, वह मंदिर भी खाली पड़ गए और उस पर कौए बैठने लगे। कहाँ चुड़ावे मेड़िया, कहाँ चुनावे मेड़िया, चूना माटी लाए, मीच सुनैनी पापिनी दौरी की लेगी आए। चूना मिट्टी मंगा कर कहाँ मंदिर चुनवा रहा है, पापिनी मृत्यु सुनोगी सुनेगी तो आकर धर दबोचेगी।